क्योंकि जितनी जितनी गहराई से आप करते चले जाओगे उतनी उतनी तरीके से आते जाएगा। अगली अभी कोई चीज तैयार करें तो इसी में सीधा था कि वो है तो भी कोई मान्यता नहीं रखती।
जैसे आगरा वाले जो गाते हैं वो जिस्म की ताकत लगा के गाते हैं, राग वही होते हैं हमारे सारे, बंदिशें भी वही होती हैं, लेकिन सबके गाने का अलग रंग होता है, सब अपना एक टिपिकल चीज तैयार करते हैं। जैसे मैंने सुबह सात तानों पे जो बात बताई थी कि नहीं रहने देगा मामा मामा गा रे था, कोई ये तैयार करता, कोई ये गलत तैयार करता इस चीज को, मामा मामा गामा गामा रेगा रेगा मामा मामा गामा गामा रेगा रेगा रे, तो वो यही ताने लेता रहेगा, मादा मादा गामा गामा रेगा रेगा धानी धानी मादा मादा गामा गामा रेगा रेगा, उसके अलावा कोई दूसरी तान नहीं हो रही उसकी, लेकिन जो छेव की छेव कर लेता है उसे कंप्लीट सिंगर कहते हैं। क्योंकि सारी चीजें यहाँ है, खाली सैड सॉन्ग तो बहुत अच्छा गा सकते हैं, रोमांटिक सॉन्ग गा ही नहीं सकते तो क्या फायदेगा, रोमांटिक सॉन्ग बहुत अच्छा गा लेते हो गजल तो गा ही नहीं सकते, तो आप गजल उसको गजल को बड़ी पोएट्री को गजल क्यों कह रहे हो आप, रफी साहब के तो सारे गाने गजल ही स्टाइल में है, तो आप किसे को कहोगे, तो वो लहजा लाइए। तो हमारे पास चार घराने हैं, जो चार घराने खाली मतलब कंप्लीट है, उसके बाद में कुछ गायकी नहीं बचती, एक आगरा, जयपुर, किराना और ग्वालियर, उसके बाद में जो भी खाली कहते हैं तो ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें होती है, चाहे कोई भी हो, पद्म भूषण हो या चाहे भारत रत्न हो, वो सिर्फ अपना खाली, वो क्योंकि मेरे जैसे बदतमीज मिलते नहीं उन्हें, मैं तो सवाल करूं फिर कभी बताओ अगर आप ये कहते हो तो ये घराना बताओ भाई, कुछ बताओ ना कोई भी चीज़ की, जैसे हम सैड सॉन्ग बताते हैं तो भाई ये सैड सॉन्ग है, ये रोमांटिक सॉन्ग है, ये शराब पे गाना है, ये सूफी संगीत आज एकदम फेमस कर दिया, क्योंकि सबको ऐसा लगता है वो एक सूफी से एक चीज गा ले ना छाप तिलक ऐसा, मतलब नुसरत फतेह अली खान साहब गा गए क्या, सब लोगों को मतलब भूत चढ़ गया, मतलब सूफी संगीत, सूफी संगीत की पहले आवाज बनाई है आप, उसे सूफी संगीत कहते हैं, गाने का एक स्टाइल होता है जिसे हम कहते हैं, क्योंकि सैड गाने की भी एक अपनी अलग अलग स्टाइल है, रोमांटिक सॉन्ग गाने की एक गाना जो कंप्लीट तैयार हो जाता है गला तो सारी चीजें गाता है। बैलेंस मिल जाता है